नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। सितारगंज व्यापार मंडल ने मुख्य चौराहे पर अर्धनग्न होकर सांकेतिक धरना दिया। वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने व्यापार मंडल को अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा है कि जो भी व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने निर्णय लिया है उसका वे पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सितारगंज व्यापार मंडल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार का पुतला दहन भी किया। इससे पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता के नेतृत्व में थाली और ताली बजाकर राज्य सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया गया था। शहर के मुख्य चौराहे पर व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता के नेतृत्व में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सांकेतिक धरना एवं अर्धनग्न अवस्था में व्यापार मंडल ने राज्य सरकार का पुतला भी दहन किया। अध्यक्ष राजीव गुप्ता का कहना है कि अगर राज्य सरकार अपनी गलत नीतियों से बाज नहीं आएगी और सरकारी गाइडलाइन में कुछ बदलाव नहीं आते तो व्यापार मंडल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि व्यापारी हितों के लिए सितारगंज व्यापार मंडल सदैव व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी, अगर व्यापारी हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी नहीं होती तो 9 जून से पूरा बाजार खुलवाया जाएगा। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। इस प्रदेश सरकार की जो गूंगी बहरी सरकार है इसके खिलाफ प्रदर्शन करा, सांकेतिक धरना दिया, अर्धनग्न होकर की तो हमें नंगा कर ही रहे हैं। जब व्यापारी नंगा होने को दारू आ जाएगा, व्यापारी जो टैक्स देता है सबसे ज्यादा, सारे कर व्यापारी दे रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही सरकार को कि सरकारें किससे चलती है, सरकारें चलती हैं व्यापारियों से। और 1 महीना 17 दिन होने के बावजूद भी इनकी कानूनी जून नहीं रंग रही है। मैंने ये घोषणा कर दी है आज कि कल तक, अभी तक तो समय दे रही थी प्रदेश सरकार और कल तक का समय मैंने इन्हें दिया है। परसों मैं अपना बाजार खोलूँगा शहर का और जिसके बस की जो जितने का मैं चालान काटना चाहता मैं देखता हूँ कौन चालान काटने आएगा, कौन प्रशासन हमें परेशान करने आएगा। परसों से मैंने घोषणा करी कि मेरे व्यापारियों की दुकानें खुलेंगी, बहुत परेशान हो चुके हैं, अब इनकी इतनी हम झेल नहीं पाएंगे। हमारे जबकि पड़ोस में उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार में 7 बजे से 7 बजे तक व्यापार खुल रहा, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं खुल रहा भाई? ये हमारा सबसे तेल व्यापार क्यों कर रहा है समझ में नहीं आता। एक आदमी बताता है कि कोरोना वायरस जो है वो कौन है, प्राणी है। पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बताते हैं कोरोना वायरस प्राणी है। मेरे को लग रहा है ये भी एक दूसरे कहीं ये ना बताते कि जो ब्लैक फंगस आ रही है ये भी प्राणी है। तो मेरे को ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मेरे को वाले मुख्यमंत्री चाहिए जैसे किसी समय में निशंक जी आए थे, ऐसे तेज तर्रार डिसीजन लेने वाले जिनके अंदर क्षमताएं हैं जो कार्य कर सकते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री पावर क्या होती है। अब मोदी जी अगर मेरी बात को सुन पाए नया चेहरा लेकर आए। कहता हूँ कि व्यापारियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने जो आह्वान किया है जो आंदोलन का कि कल तक अगर जो है कि सरकार उनकी सुध नहीं लेती है तो व्यापारी यह स्वयं अपनी दुकानें खोल लेंगे, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई कोई की गई तो उसका विरोध करेंगे। मैं इसमें अपना पूरा समर्थन देता हूं, मैं व्यापार मंडल के साथ हूं, व्यापारियों के साथ हूं। आज व्यापारी जो है देखिए आप बहुत ही परेशान हो गया है। आप पड़ोस में देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से आज 71-72 जिलों में पूर्ण रूप से जो है लॉकडाउन को खोल दिया गया है, सारे व्यापारियों की दुकानें खुलने लगी हैं, ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसके खिलाफ जैसा भी व्यापार मंडल कदम उठाएगा मैं उसके समर्थन में हूँ, उनके साथ हूँ।